नमस्कार। तो आज आप हम यस बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले। यस बैंक स्टॉक के पहले आपको इंटरेस्टेड और स्ट्रेटजीज लर्न करने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको स्ट्रेटजीज में यहाँ पे लिंक मिलेगी, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते कि यस बैंक स्टॉक की, तो यस बैंक स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम पिछले कई दिनों से नजर नहीं आ रही यस बैंक स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते कि फरवरी मार्च में एक अच्छी मोमेंटम थी, पर उसके बाद स्टॉक के अंदर यहाँ पे कोई खास वोलेटिलिटी भी नजर नहीं आई। फ्राइडे के दिन भी देख सकते कि 16.35 पे क्लोजिंग दी थी, कोई खास मोमेंट नहीं, 5 पैसे ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक की, तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशो काफी ऊपर है 58 का, यस बैंक लिमिटेड का पिछले वन मंथ की भी मोमेंटम देखी जाए तो लास्ट एक महीने में भी देख सकते कि स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे यस बैंक के, तो यहाँ पे आप नजर डाल सकते हो यस बैंक स्टॉक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट होने के बाद जो है मंथ ऑफ फरवरी में मार्च मंथ से यहाँ पे स्टॉक में फिर से यहाँ पे जो चॉपी मोमेंट पहले जैसी देखने को मिले, और उसी में देख सकते कि वॉल्यूम जो है काफी कम यहाँ पे पिछले एक दो महीनों से देखने को मिले स्टॉक के अंदर। एज कम्पेयर टू पहले वॉल्यूम देखोगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, पर रिसेंटली वॉल्यूम्स काफी कम आते, वॉल्यूम जब कम हो जाते तो स्टॉक में वीक मोमेंटम नजर आ जाते, वॉल्यूम्स बढ़ जाते तो वोलेटिलिटी भी देखने को मिलते, पॉजिटिव वॉल्यूम्स होते तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। पर रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे 15.45 लेवल एक सपोर्टिव जोन है, उसी लेवल का सपोर्ट लो के स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 15.52-15 लेवल के बीच में ट्रेडिंग कर रहा था, जैसे कि 15.50 लेवल को ब्रेक किया है और रिसेंटली स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 17 लेवल पे अगला रेजिस्टेंस लग सकता है, ब्लू कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेज है और उसके ऊपर 17 लेवल है, तो ये बीच में ट्रेडिंग होने के ज्यादा चांसेस नजर आ जाएंगे।